जो LBC यादव है उसने कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता तो था। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि एलविश यादव की अभी जमानत नहीं हुई है, जबकि उनको कल कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन सभी वकील अभी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण एलविश यादव की जमानत नहीं हो पाई है। लेकिन एक मशहूर जेलर दीपक शर्मा जी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, सिस्टम पर भरोसा रखिए, जल्दी खुशखबरी आएगी। इसके बाद वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे और उन्होंने एलविश यादव से लेकर कुछ बातों का खुलासा किया है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। जो LBC यादव है उसने कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता था। अच्छा, ये मेरे पास सुनिए, मैंने देखा नहीं अभी। तो वो ये चीज भी पूरी तरह गलत है। जो पुलिस के सामने का जो कन्फेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। जो जो भी स्टेटमेंट उस पुलिस ने रिकॉर्ड की है तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे केस चलेगा। जज साहब के सामने दोबारा एविडेंस होंगे, दोबारा बयान होंगे और फिर आरोप निर्धारित किए जाएंगे। हाँ, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं न्यूज में देख मैंने रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी आज यूट्यूब पे, मैंने कहा बोल रहे थे कि क्या कहते हैं एलविस यादव आपके वाली उसमें जेल में वहां पर आस पास मतलब कुछ। नहीं, मेरे पास नहीं है। एल्विश है लक्सर, नोएडा। अच्छा, हाँ, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा के पास है, जिसको कासना जेल भी बोलते हैं उसकी ओ वहां। हाँ, वो वहां पर है। बाकी होप फॉर द गुड, सारी चीजें अच्छी हो, यही बोल सकते हैं हम तो। मैं तो हाँ, अभी देखो तक फर्स्ट तो समय से बैक टू कर रहा हूँ, मैं तो कभी इन चीजों का मुझे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी रहे नहीं। बाकी एल्विस भाई से मिला हूँ कई बार, है ना, लगा नहीं कभी ऐसा कुछ कि वैसे है। नहीं, वो जो एलिगेशन है वो कुछ और है। और जहां तक उनकी प्ली है, उनका तो कहना ये है कि वो जो भी सांप है वो 32 बोर, एक गाना है फाजिलपुरिया का, वो उसकी शूटिंग के हैं। और फाजिलपुरिया से भी हमारी बात हुई तो